What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 20 जनवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं। कल हमने देखा फिर से एक बार निफ्टी की ख़राब शुरुआत रही वीक के शुरू में। तो क्या ये फॉल कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इंट्राडे लेवल्स आज क्या होंगे उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक इस सैटरडे इंडियन मार्केट्स ओपन रहने वाले हैं क्योंकि बजट है उस दिन, तो यहाँ पर NSE और BSE दोनों भी ओपन होंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। चाइना में जो वायरस अटैक हुआ है उससे दुनिया भर के मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तो दुनिया भर के कंट्रीज यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो चाइना ने इस वायरस से बचने के लिए कुछ दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। वहाँ पर चाइना का न्यू ईयर हॉलीडे भी चल रहा है और कुछ इलाकों में इन्होंने छुट्टी दे दी है, तो इसका सीधा असर उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे गिरता है। तो वहाँ पर अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया जो यहाँ से इम्पोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसका सीधा असर दुनिया भर के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर गिरेगा। तो इसके मद्देनज़र दुनिया भर के मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हालांकि इंडियन मार्केट्स में जो अभी चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ बियरिश सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी बजट है सैटरडे को, इंडस्ट्री ने काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखा है उससे। अगर ये फुलफिल होता है तो जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स की कटौती के दिन हमने देखा एक ज़बरदस्त लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बना, उसी तरह से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट डिसअपॉइंट होता है, इंडस्ट्री डिसअपॉइंट होती है, तो यहाँ से और एक ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। चार्ट क्या कहता है, चार्ट बियरिश सेंटिमेंट्स कैसे दिखा रहा है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे मंथली चार्ट में। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह पिक्चर है कल का, 27 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,271 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,201। तो कल इस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था ये अगर देखना है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में कल के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो मार्केट ओपन हुआ हमारा ब्रेकडाउन लेवल के ऑलमोस्ट इसी के पास ये ओपन हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा 12,180 और सेकेंड टारगेट 12,160 ये अचीव्ड हुआ और एग्जैक्ट इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की। हालांकि ऊपरी लेवल पे ये सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से एक बार साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक बार इसने ये जो 12,160 का लेवल है इसके पास एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया थर्ड अटेम्प्ट में और ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव होने लगा। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए थे कल भी। तो यहाँ पर अगर कल ट्रेड बनता तो 37 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 27,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स की भी हालत देख लेते। कल US मार्केट नासडेक में भी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला, 175 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स में भी सेम सिचुएशन था, सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी 25 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट में न्यू ईयर का वहाँ पर हॉलीडे चल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी इस समय एक रिकवरी दिखा रहा है, 91 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी प्रेशर बना हुआ है चाइना में जो वायरस अटैक हुआ है उसकी वजह से। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। एक एनालिसिस है, एक ऑब्जर्वेशन है। ये मंथली चार्ट है, हर एक कैंडल एक मंथ का हाई ओपन लो और क्लोज हमें यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2017 का है, ये 2018 का है, ये 2019 का है और ये ये 2016 का है, ये 2017 का है, ये 2018 का है और ये जो स्लॉट है ये 2019 का है। अभी 2020 यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते कैसे मार्केट ने यहाँ पर 2016 में बॉटम बना के जब अपसाइड मूवमेंट दे रहा था तभी RSI को देखे तो यहाँ पर भी
राइजिंग बॉटम्स बन रहे थे, ये यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स बन रहे थे, ठीक है। और ऊपर प्राइस एक्शन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस ये राइजिंग बॉटम बन रहे थे, मतलब प्राइस एक्शन में जैसा बिहेवियर है सेम बिहेवियर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा इसके पहले अगर हम पास्ट में जाए, ये यहाँ पर अगर पास्ट में जाए तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे हैं, ये हायर बॉटम्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हायर बॉटम्स बन रहे, ठीक है। तो सेम बिहेवियर यहाँ पर भी आरएसआई में भी देखने को मिलता है, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हैं, ऊपर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे लेकिन आरएसआई में यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे, तो जैसे ही यहाँ पर ये हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है तो हमें यहाँ से प्राइस एक्शन में भी एक फॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आरएसआई हमें कई बार पहले ही सिग्नल देता है कि मार्केट में यहाँ से वीकनेस या फिर स्ट्रांगनेस यहाँ पर आने वाला है। तो अभी फिलहाल अगर आप ये देखें लास्ट टू ईयर्स देखें तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स 2018 में ऑलमोस्ट 10,500 के पास था, और यहाँ अभी 2020 जब शुरू हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट 12,000 के पास है। ये दो साल में करीब 1500 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, और उसके पहले दो साल 2016 और 17, जब 2016 शुरू हुआ तो ये 7,000 के पास था ऑलमोस्ट, और अभी 2018 जब शुरू हुआ, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 2018, तो यहाँ पर ये 10,500 यानी ऑलमोस्ट 3,500 दो साल में ये निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ से बढ़त दिखाई थी। तो अभी जब ये यहाँ से दो साल में 1500 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है तो आरएसआई का बिहेवियर देखे तो यहाँ पर ये लोअर हाइज ही बना रहा है, जैसे प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहा है लेकिन यहाँ पर आरएसआई में लोअर हाइज बन रहा है, यानी यहाँ पर ये जो बुल्स का स्ट्रॉन्ग एक्टिवनेस है वो यहाँ पर काफ़ी कम गिर रहा है कंपेयर टू बेयर्स। तो यहाँ पर हो सकता है अगर मार्केट को अगर ये बजट आने वाला बजट डिसअपॉइंट करता है तो यहाँ से ज़बरदस्त एक हमें करेक्शन निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अभी तक इसने 2016 के बाद 20 EMA को ब्रेक नहीं किया है, ये 20 EMA के लगातार ऊपर बना हुआ है 2016 से। तो यहाँ पर अगर मार्केट को डिसअपॉइंट करता है बजट तो यहाँ से एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है मंथली चार्ट में। तो चलते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी का। कल हमने यहाँ पर वीकली चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, उसका पहला सपोर्ट 12,114 के पास निफ्टी इंडेक्स ने अभी यहाँ पर कल ऑलमोस्ट इसी के पास क्लोज दिया है। तो ये लेवल अगर आज ब्रेक होता है तो नीचे 20 EMA अराउंड 38.2% के लेवल के पास है, वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है वीकली और मंथली चार्ट में। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में जैसा कि हमने कहा था कि इस 20 EMA के ऊपर और एक बार कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल, तो हमें यहाँ पर 20 EMA को सस्टेन कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ये हम कह सकते थे, लेकिन इसने कल फिर से एक बार 20 EMA के नीचे आकर क्लोज हुआ है। तो फिर से ये अभी 20 और 50 EMA के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। तो 50 EMA 12,080 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें फिर से 11,900 के पास आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसी के पास ये 100 EMA का भी मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अगर 12,080 को ब्रेक करता है तो इसके बाद हमें ये 11,900 तक के निफ्टी में इंडेक्स देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली डेली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 50% का लेवल इसने ऑलमोस्ट अचीव किया था। तो ये दो लेवल्स होते हैं 61.8 और 50%, यहाँ से तकरीबन चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। तो कल यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन एक गैप के साथ यहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, और टूवर्ड साउथ की तरफ ही इसने कंटिन्यूस मूव रखा। तो अभी ये क्रूशल लेवल है जो यहाँ पर ये स्विंग लो बना है, ये क्रूशल लेवल है। अगर यहाँ पर ही ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाता है ये निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन जाएगा, लेकिन अगर ये इस स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है इसके नीचे आर्ली चार्ट में, तो और भी हमें यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव देखने को मिल सकता है।
तो अगर आज निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है और कल के लो के नीचे अगर चला जाता है तो ये स्विंग लो का स्ट्रांग सपोर्ट होगा यहाँ पर। तो निफ्टी इंडेक्स को कंफर्टेबली ये जो S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है 12,078, इसको ब्रेक करने दीजिए। इसके नीचे अगर कंफर्टेबली ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल आज के लिए, ठीक है। इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,055, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 12,037, जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए आज के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल, ये होगा हमारा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,162, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 12,188, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।